हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। और आप लोगों को जैसा कि पता है कि जो हरियाली है हमारी लाइफ में एकदम अहम योगदान रखता है, तो उस चीज के लिए हम आपको कुछ अपने मतलब हरियाली से रिलेटेड ही कुछ चीजें दिखाएंगे कि वो चीजें क्या हो सकती हैं। तो आप सोच सकते हो, बट इतना सोचने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना बताने के लिए। तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि हम लोगों ने, यानी कि मैंने और मेरी फैमिली में जो मतलब मेरे लोग हैं, मेंबर हैं, हम लोगों ने मिलकर अपने आंगन को अच्छे से उपजाऊ बनाया। और उसमें जो चीजें थी, बैगन, बैगन, मिर्च, और क्या कहते हैं, गोभी, लहसुन और बीन्स। बीन्स आप लोग सोच रहे हो, पर बीन्स होता क्या है? बीन्स ये चीज है कि बीन्स को शायद बोलते हैं, क्या तो बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, बोधी, आम बोलचाल की भाषा में आप बोधी बोल सकते हो बीन्स को, तो वही बोधी। और तमाम चीजें, और लहसुन, धनिया, पालक, तो ये सब चीजें हम लोगों ने अपने आंगन में उपजाई हैं, मतलब उगाई हैं। तो जो चीजें हैं वो बहुत अच्छी हैं। अब आप मार्केट से खरीद के खाते हो, तो मार्केट वाली जो चीजें हैं वो खाद वाली होती हैं, प्लस में जो हम लोगों ने अपने आंगन में उगाई हैं वो चीजें एकदम बढ़िया है एकदम, यानी कि वो उनसे कोई खाद वाद से कोई रिलेटेड नहीं है। तो आप सोच सकते हो कि जो खाद वाली चीजें हैं वो कितना नुकसानदायक है हमारी बॉडीज के लिए। और जो हम लोगों ने मतलब अपने आंगन में उगाया है वो मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया है, यानी कि उसमें कोई खाद वाद नहीं है। तो जो उसका टेस्ट है वो बाजार की सब्जी के मतलब कंपेयर किया जाए तो उसके दोनों के स्वाद में, दोनों का टेस्ट मुझे तो अपने घर का ही अच्छा लगा। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ अपने पीछे आंगन में कि हम लोगों ने किस किस चीज की खेती कर रखी है। तो चलते हैं फिर आंगन में। कुछ दिन पहले हम लोगों ने यहाँ पे पेड़ लगाया था, अपने लोगों ने वीडियो जरूर देखी होगी। तो वो जो पेड़ है वो हमारे यहाँ पे है, वो पेड़ अच्छे से लग चुका है, वो है आमड़ा का पेड़। तो जो मेहनत होती है वो सच में बहुत बहुत ज़्यादा रंग लाई यहाँ पे। मुझे लगता नहीं था कि वो काम कर जाएगा, लेकिन वो कर गया। तो आपको दिखाते हैं वो पेड़ कैसा दिखता है, देखने में है। वो पेड़ यहाँ पे है और इसके अंदर जाना थोड़ा सा वो हो सकता है, क्योंकि दिखाना मैं बट दिखाऊंगा आप लोगों को। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें थोड़ी कांटे वांटे लग चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बकरी वकरी और गाय वाय हैं, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत होती है। तो ये रहा आमड़ा का पेड़ हम लोग का, जो हम लोगों ने 2 महीने या 2.5 महीने पहले लगाया था, जो एकदम बढ़िया से लग चुका है। तो ये एक पेड़ बनेगा, अभी धीरे धीरे इसमें हम लोग पानी डालते हैं। तो बड़ा ही हो चुका है, लग चुका है अच्छे से। इसको थोड़ी प्रोटेक्शन के लिए हम लोग ने साइड साइड में मच्छरदानी बांध रखी है और कांटे वटे लगा रखे हैं, ताकि कोई बकरी बकरी जो खाए वाए ना। तो बस थोड़ा और बड़ा हो जाए तो उसको अच्छे से कांटे वटे से अच्छे से घेर देंगे, तो ये भी हो जाएगा। तो ये चीजें थी। फाइनली दोस्तों, हम अपने आंगन में आ चुके हैं और हम दिखाएंगे आपको, आपको हम दिखाएंगे कि आपको हमारे पीछे दिख भी रही होगी जो चीजें हैं, यानी कि जो पीछे देख रहे हो आप लोग भी गेस कर सकते हो कि क्या क्या चीजें हैं। तो हम आपको दिखाते हैं और अच्छे से बताते हैं कि क्या क्या चीजें हैं हमारे आंगन में। तो दोस्तों, ये जो है ये एकदम खाली एरिया है, अभी यहाँ पे कुछ बोया नहीं है, बट हम लोग सोच रहे हैं कि इसमें प्याज व्याज बो दे अच्छे से। तो इसमें ऑलरेडी मतलब आलू बोया हुआ था, बट आलू का जो सीजन है वो जा चुका था, तो आलू जो है वो नहीं जमा। तो मेरे अंकल हैं यानी मेरे चाचा जी, तो उन्होंने ये जो मतलब बनी थी मेड़ इसमें, तो उसको सही करके हटा वटा दिया, आलू आलू जमे हुए गए तो इसलिए हटा दिए हैं। और ये इधर है, तो ये है, ये आपको दिख रहा ही होगा अच्छे से कि ये क्या है। तो आप लोग बताना कि ये क्या चीज है, देख लो अच्छे से। तो ये है लहसुन, तो लहसुन एकदम बढ़िया से, एकदम बढ़िया से जम चुका है, एकदम बढ़िया वाला एकदम। और जो लहसुन है एकदम मस्त से एकदम हो चुका है, ये क्यारी टाइप की बनी हुई है। और ये इधर, और ये इधर है, तो इस ये जो दिख रहा होगा ये आपको मूली है, और ये जो है यही होता है बीन्स। तो बीन्स यानी कि बोधी, तो ये बीन्स है, अब कुछ दिन में हो ही जाएगा, तो बड़ा बड़ा हो चुका है सारा। दोस्तों बहुत मेहनत लगी है तब जाके आज ये सब्जियां खाने को मिल रही हैं हम लोगों को। तो दोस्तों ये यहाँ से मिर्च है, मिर्च ये भी मिर्च है पूरा एकदम, मिर्च की जो होती है, तो मिर्च इसमें आ ही चुकी है, दिख रहा होगा आपको। ये काली मिर्च है, यानी वो उस मसाले वाली मिर्च नहीं, ये मिर्च का जो कलर है वो एकदम काला काला है।
तो ये जो मिर्च है एकदम बहुत ज्यादा तीखा होता है। तो ये मिर्च लग चुकी है और इसमें जो फूल पत्तियां हैं वो सब आ चुकी हैं, और देख जो मिर्च है वो प्रोग्रेस पे है, यानी कि फर रहा है। और इधर लगी है बैगन, बैगन भी मतलब बैगन भी जम मतलब उग रहा है या उग चुका है। ये रहा नीचे बैगन, दिख रहा होगा वहां पे बैगन। तो बैगन तो बहुत सारा हम लोगों ने खाया भी, और हम लोग रिलेशन में भी गया, जैसे नानी के यहाँ या और भी बुआ हुआ थी आई थी, तो उन लोग को भी हम लोग बैगन दे चुके हैं। खाने के लिए बहुत ज्यादा ही मात्रा में बैगन निकला, खा भी लिए हम लोग। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि बैगन का क्या क्या बनता है, सब्जी और भरता वरता, भरता यानी कि चोखा। तो ये रहा सब बैगन, इतना सारा पूरा जो है बैगन हम लोगों ने उगाया है अपने पीछे जो खेत है, खेत टाइप में है उसमें। और ये है मूली, तो यहाँ से मूली है, मूली भी बहुत ज्यादा ही मात्रा में निकली थी। और यहाँ पे जो खाली जगह है वहां की मूली जो हम लोग हैं धीरे धीरे खा चुके हैं या दे चुके हैं अगल बगल या रिलेटिव्स को। तो मूली दिखाते हैं आपको अच्छे से। तो ये देख सकते हो आप, ये रही मूली जो भी पतली पतली है, अभी खाने लायक तो नहीं है, पर जब ये थोड़ी मोटी हो जाए तो ये मूली भी खाने के लिए आ सकती है। तो यहाँ तक मूली है, पूरा उधर से लेके यहाँ तक मूली। और ये जो है ये कुछ सरसों वरसों मतलब उगा हुआ है तो वो है। और यहाँ पे सब फूल गोभी, तो ये फूल गोभी है, हम आपको दिखाते हैं कि फूल गोभी हम लोग का अभी उग चुका है, इसमें आ चुका है इसमें इसमें फूल। तो ये रहा फूल गोभी हम लोगों का, दिख रहा होगा आप लोगों को अच्छे से दोस्तों, देख लीजिएगा हम लोग की मेहनत जो है वो रंग लाई है। और ये पूरा का पूरा एकदम गोभी गोभी है, पूरा वहां तक गोभी। और अंदर चल के दिखाते हैं आपको। और यहाँ पे कहीं कहीं हम लोगों ने मटर, मटर होता है ना, तो मटर भी मतलब छीट रखा है इसमें, तो मटर है और कहीं कहीं मटर मतलब छीटा हुआ है। और यहाँ पे ये जो है, ये जो है पता ही है क्या है, टमाटर है। तो टमाटर तो अभी मतलब पूरा एकदम पूरा जंगल सा बन चुका है टमाटर का, लेकिन जो टमाटर है इसमें अभी धीरे धीरे आ रहा है। तो दिखाते हैं टमाटर भी, टमाटर भी हरा है, हरा है टमाटर भी। दोस्तों कहते हैं ना कि मेहनत करने से एकदम जो आपको फल मिलना चाहिए वो होता है, तो वही है। यहाँ पे आप दिख रहा होगा ये कि ये है टमाटर, और वहां टमाटर धीरे धीरे एकदम फर रहा है। ये रहा टमाटर हमारा, और भी ये रहे टमाटर। ओ नो, टूट गया यार टमाटर। तभी टमाटर को लाल होने में भी वक्त लगेगा, तो टमाटर भी पूरा हरा ही है। इतना सारा इधर तक हम लोगों ने मतलब जो खेती है वो कर रखी है, तो सब्जी उब्जी तो एकदम बढ़िया से हम लोग को मिल जाता है। और यहाँ पे ये जो है इंग्लिश चीज है, ये धनिया है, ये जो धनिया है। और कहीं कहीं वही मटर वटर है, धनिया है, लेकिन ये धनिया का क्यारी है, तो पूरा का पूरा एकदम धनिया है यहाँ तक। ये रहा धनिया, तो धनिया का तो पता ही, चटनी उटनी बन जाता है बढ़िया से, और भी चीजों में डलती है धनिया। धनिया एक अच्छा चीज है, बढ़िया। और ये रहा हमारा फाइनली पालक, तो ये है पालक। तो पालक भी दो तीन बार हम लोग मतलब खा चुके हैं अभी, इसको हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही इसको अभी पानी से मतलब पटाया था, यानी पटान किया था। तो वो है पटान करने मतलब कि इसको हम लोगों ने सिंचाई की थी पानी से अच्छे से। तो ये फाइनली पालक है, अभी छोटा छोटा है, ये कचड़ा कहाँ से आ गया है, तो उसको हटा देते हैं। और ये सारी चीजें जो हैं, यही सब चीजें हैं जो हम लोगों ने अपनी मेहनत से उगाई हैं। और मेहनत मेहनत तो बहुत ज्यादा ही लगाया, क्योंकि मिट्टी को सही से करना और ये जो कचरा वचड़ा है सब इधर फेंका हुआ है। तो ये फाइनली हम लोग के खेत हैं जो सब्जी साग के लिए बने हैं वहां तक। और इधर से तो आप वाकिफ हो ही कि ये क्या है। तो ये कोई सागवान का पेड़ है, भगवान जाने कैसे लग गया इधर, सही है, बढ़िया है, सागवान लग गया है। और ये जो है ये वही केला, पता ही है आप लोगों को, एक बार केले का घर टूट गया था, तो वही केला है ये। और केले के बगल में भी ये है, ये है शायद पपीता, बट लग तो नहीं रहा कि फरा है, ऐसी बस है।
यही सारी चीजें थी जो हम लोगों ने अपने पीछे, मतलब देख सकते हो आप लोग पीछे हम लोगों ने मिलके और उगाई हुई है बढ़िया से अच्छे से। तो सही है, इतना सब निकल जा रहा है खाने वाने के लिए, सही है। जो बाजार से आप खरीदते हो उसके पैसे लगते हैं, थोड़े पैसे आप इसमें लगा दो, थोड़ी मेहनत कर दो तो बढ़िया एकदम आपके लिए। तो ये चीजें बहुत अच्छी लगी और चीजें जो हैं हम लोग अब हमेशा यही किया करेंगे कि पीछे की साइड में जो जमीन है वहाँ पे कुछ ना कुछ मतलब बो दिया जाएगा। तो इतनी सारी चीजें निकल जाती हैं कि अब सब्जी वब्जी खरीदने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो सही है ना, बढ़िया है, पैसे बचते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और जो अपना सपोर्ट है यानी कि फुल सपोर्ट है वो हमेशा बनाए रखें। ठीक है, बस धन्यवाद।